हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अनु और आज का हमारा टॉपिक है नियो क्लासिसिज्म। तो अगर हम बात करें नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। और क्लास का मतलब होता है जैसे फर्स्ट क्लास, हाईएस्ट रैंक। तो इसका पूरा मीनिंग हो गया न्यू और वो की फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1760s के अंदर। इसके अंदर जो हमारे बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट पेंटर्स अगर हम कहें तो वो थे डेविड इंग्रेस, फ्लेक्समैन और केनोवा और राइनहार्ट। ठीक है, अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे? सबसे पहले इसके अंदर लोकल कलर्स यूज़ करे हैं, ओवरऑल लाइटनिंग यूज़ की है, क्लासिकल जो जियो स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं इसके अंदर, सॉबर कलर्स हैं, फिर इसके अंदर शेलो स्पेस का यूज़ है और क्लैरिटी ऑफ फॉर्म का यूज़ किया है, और इसके अंदर रोमन हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल को चीज़ों को दिखाया है। इसके अंदर माइथोलॉजी से रिलेटेड इसको दिखाया है। फिर इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन यूज़ करते थे वो फॉर्मल कॉम्पोजिशन यूज़ करते थे, और जो यूज़ था डायगनल लाइंस का वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया है, क्योंकि उसके अंदर हम एक इमोशन को और मूवमेंट को शो करना चाहते थे डायगनल लाइंस के थ्रू। और स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी यूज़ किए हैं जिससे कि ये डिपेक्ट हो सके कि जो मैटर है वो टाइमलेस है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो टाइमलेस है। फिर अगर हम डिफाइन करते हैं नियो क्लासिज्म आर्ट को तो हम कैसे करेंगे? तो इसके अंदर यूज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डिपिक्शन ऑफ लाइट, और जो इसके अंदर स्मूथ कलर्स जो थे, पेंट जो यूज़ किया था बहुत स्मूथ सरफेस में यूज़ किया था, और कलर्स जो यूज़ किए थे वो बहुत मिनिमम यूज़ किए थे। फिर इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्लियर क्रिस्प जो फॉर्म होता था उसको एकदम क्लियर और क्रिस्प यूज़ किया जाता था। न्यू क्लासिज्म फोकस करता है सिंप्लिसिटी, सिमेट्री और मैथमेटिक्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, एंशियंट ग्रीस और रोमन आर्ट जो था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। तो इनका जो मेन मोटो था वो क्या था कि रोकोको मूवमेंट लेके आने का, मतलब वो उसको रोकोको मूवमेंट को रिप्लेस करना चाहते थे, इसीलिए न्यू क्लासिज्म लेके आए थे। अब नियो क्लासिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो जो अगर इनका आर्ट और इनकी जो क्रिएटिविटी मूवमेंट है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है एंशियंट ग्रीक स्टाइल को, रोमन फिलॉसफी को, रोमन कल्चर को, रोमन आर्ट को, रोमन माइथोलॉजी को वो डिपिक्ट करता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है द एरा ऑफ एनलाइटमेंट। इसका मतलब होता है लॉजिक और रीज़न। तो इस अगर हम देखें तो इसके अंदर सेपरेशन ऑफ चर्च हुआ था और स्टेट हुआ था, और जो नेचुरल मैन के जो राइट्स थे उसके ऊपर डिपिक्ट किया है, और रीज़न की वजह से रिलीजन में रिप्लेस हो गए थे, और रिजेक्शन हुआ था जो कि राजाओं ने बड़ा, जो उनके राइट्स, राजा जो उनकी दैवीय शक्ति थी उनको वो रिजेक्ट करता था कहीं ना कहीं न्यू क्लासिज्म। इसका जो मिड टाइम था वो डार्क पीरियड कहलाता था। क्यों? क्योंकि इन लोग को फ्रीडम ही नहीं थी, ये लोग बाउंडेड थे, किंग के बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये डिपेंड थे किंग के ऊपर। तो जो पेंटिंग बनाया, चाहे आर्टिस्ट था, चाहे स्कल्प्टर था, चाहे जो भी था, इनको परमिशन ही लेनी पड़ती थी किंग से। तो अब ये लोग थोड़े से सुपरस्टिशन उस टाइम में ज़्यादा था, फ्रीडम नहीं था कुछ बोलने का, कुछ करने का। तो ये जो रिवोल्यूशन एक तरह से स्टार्ट हुआ 14th century में, थोड़ा बहुत चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल चेंज आया, म्यूज़िक के अंदर आया, आर्ट के अंदर आया, पेंटिंग के अंदर आया, कल्चर के अंदर आया, ट्रेडिशन के अंदर आया, साइंटिफिक चेंजेस आए जो कि धीरे धीरे होते गए चेंजेस। फिर जो वाम गार्टन था और सॉक्रेट्स था, ये मेजरली इन्होंने सबसे ज़्यादा चेंज लेके आया था। इसको रेनेसांस पीरियड भी कहा जाता है अगर देखा जाए। और रोकोको और ब्राक जो थे, ये जो स्टाइल था इनका 18th century में जो है एक तरह से विरोध होने लगा, और फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो मूवमेंट था ये इंग्लैंड से फ्रांस और फ्रांस से रोम और उसके बाद पूरे यूरोप के अंदर ये फैल गया था। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1780 से लेके 1850 तक जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध रहा था, और 1738 के अंदर एक्सकेवेशन हुआ था, उत्खनन हुआ था, मतलब ज़मीन में से खोद के कुछ चीज़ें खुदाई हो रही थी वहाँ पे हर्क्यूलेनियम में, और जो है 1775 पोम्पोई के अंदर, हर्क्यूलेनियम में 1738 के अंदर और पोम्पोई के अंदर 1775 के अंदर कुछ पार्ट्स मिले थे, पोट्री के, मोज़ेक के, कलरफुल पेंटिंग के मिले थे।
तो उनसे हमको इसका थोड़ा सा आइडिया मिलता है। और ये बेसिकली वही ग्रीन और रोमन आर्ट के ऊपर बेस्ड था। और जो इनका मेन जो टॉपिक था, अगर देखा जाए इनका मोटो क्या था, इस कल्चर को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे थे, माइथोलॉजी को बढ़ा रहे थे, रोमन को और ग्रीक को। और इनके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ होता था। बैकग्राउंड इनके लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था, बैकग्राउंड ये हमेशा लेस डिटेल्ड बनाते थे, डल बनाते थे। और जो आगे वाला पार्ट होता था जिसको फोरग्राउंड कहा जाता था, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था, जो कि ज़्यादा डिटेल्ड बनाते थे। हमेशा थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे, पर जो बैकग्राउंड होता था वो हमेशा से डल होता था। तो आज के लिए इतना ही, पर आगे वाला जो मैं वीडियो बनाऊँगी नियो क्लासिज्म का, वो इनके आर्टिस्ट के ऊपर बनाऊँगी। इनके अंदर जो आर्टिस्ट थे डेविड इंग्रेस और ये थे, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप मुझे जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।